आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग। यहाँ हमने लिया है आधा किलो सरसों का साग, 250 ग्राम पालक, 250 ग्राम मेथी और 250 ग्राम बथुआ। इन सबको हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे, धो लेंगे और बारीक काट लेंगे। बारीक काट लिया है, इसे एक बार और अच्छे से साफ कर लेंगे पानी से। यहाँ हमने लिया है लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, इन सबको हमने बारीक काट लिया है। गैस ऑन करेंगे और उस पर एक पतीला रखेंगे। पतीले में थोड़ा सा पानी डालेंगे और साग डाल देंगे। इसे कटे हुए अदरक, बारीक कटा हरी मिर्च और लहसुन। डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे हाफ ढक्कन लगाकर पका लेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच मक्के का आटा। आटा डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साग को अच्छी तरह से मसल लेंगे। साग का पानी अच्छा सूख गया है। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे घी और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज और भून लेंगे। डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ हमने 2 बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, इसे भी हम मसालों के साथ अच्छी तरह पका लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह पक जाएगा तब हम इसमें पके हुए साग मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। साग तैयार है। यहाँ हमने थोड़ा पानी गर्म किया है और लेंगे 2 कटोरी मक्के का आटा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गर्म पानी डालकर इसे भूनेंगे। आटे को अच्छी तरह से मसलते हुए गुनगुने पानी से गूंद लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और उस पर तवा चढ़ाएंगे। आटे को हम एक बार अच्छे तरीके से और मसल लेंगे और इसके
पकौड़े बना लेंगे। हथेलियों पे लगाएंगे थोड़ा सा पानी और गोले को दोनों हथेलियों से दबाते हुए रोटी की शेप देंगे। अब हम तवे पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल या बटर और रोटियों को तवे पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। रोटियों को हम उलट पलट कर और बटर लगाकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए मक्के की रोटी और सरसों का साग तैयार है।